आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर देखा जाता है कि एक प्रश्न एग्जामिनेशन हाल में जरूर पूछे जाते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। ठीक है, तो वो सारे तथ्यों को दोस्तों मैं शामिल करूंगा इस वीडियो में जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हाल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करिए और पॉलिटी से संबंधित जितने भी टॉपिक बनते हैं हर टॉपिक को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, और वो सारे तथ्यों को कवर किया है जो भी तथ्य एग्जामिनेशन हाल में पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग बात करेंगे दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो जब भी हम पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों तो सबसे पहली बात यही पढ़नी होती है कि इसको किस भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है तथा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे दोस्तों कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को किस भाग में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों भाग चार में। ठीक है, भाग चार में राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात की गई है। जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि भाग वन में किस चीज़ की बात की गई है, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, भाग दो में नागरिकता और भाग तीन में मौलिक अधिकार। ठीक है, हमने इतना पढ़ा रखा है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में उपलब्ध होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भाग चार जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो वर्णन है वो संविधान के भाग चार में वर्णित है। अब हम बात करेंगे किस अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन है वो है दोस्तों 36 से 51। ठीक है, 36 से 51। ठीक है, चलिए इतनी बेसिक सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं इसका मतलब क्या है या इसका आशय क्या है। ठीक है, तो राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है दोस्तों ये क्या दर्शाता है, ये सरकार के दायित्वों को दर्शाता है। ये क्या करता है, सरकार के दायित्वों को दर्शाता है कि सरकार जनता को किस प्रकार की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, तो राज्य का नीति निदेशक तत्व तो क्या दर्शाता है दोस्तों, ये सरकार के दायित्वों को दर्शाता है कि सरकार जनता को किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगी। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो वो है दोस्तों कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की स्थापना करना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कह सकते हैं या कल्याणकारी राज्य, अभी हम बताएंगे आपको कोई कल्याणकारी राज्य से आशय क्या है। पहला उद्देश्य तो हो गया दोस्तों कल्याणकारी राज्य, और जो दूसरा उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है दोस्तों सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र। ठीक है, सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता देना या सामाजिक व आर्थिक रूप से इनके बारे में सोचना। अब चलिए देखिए हम बात करते हैं दोस्तों कि ठीक है लोक कल्याणकारी राज्य से क्या आशय है। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार जनता की मैक्सिमम जनता को मैक्सिमम सुख देने का प्रयास करेगी। ठीक है, अर्थात सरकार उन योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी जिससे जनता को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो पाए। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या हो गया, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात की गई है, और दूसरे उद्देश्य में सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, सामाजिक यानी हर व्यक्ति जो है वो समान है और सार्वजनिक वस्तुओं पे हर सार्वजनिक वस्तुओं पे हर व्यक्ति का समान अधिकार होगा।
ठीक है। और आर्थिक का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि सभी के धन का जो वितरण होगा वो सभी में समान होगा, कोई भी लाभकारी अगर जो योजना भारतीय सरकार के द्वारा चलाएगी अगर जो उनके क्राइटेरिया में वो लोग आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो वर्णित है वो भाग चार में वर्णित है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, 36 से लेकर 51 के अंतर्गत आते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना या स्थापना करना तथा सामाजिक व आर्थिक न्याय देना, ठीक है। कल्याणकारी राज्य से क्या मतलब है दोस्तों, कि सरकार ऐसा काम करे जिसमें जनता को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो, ठीक है। सामाजिक न्याय मतलब आपको पता ही है, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, ठीक है। यानी सामाजिक न्याय से क्या है दोस्तों, कि सार्वजनिक वस्तुओं पे सबका जो होगा दोस्तों समान रूप से अधिकार होगा, ठीक है। जैसे सार्वजनिक वस्तुएं क्या है दोस्तों, जैसे हमारा पार्क हो गया, जैसे हमारा हॉस्पिटल हो गया, ये क्या है, एक तरीके से सरकार द्वारा दिया गया हमको एक सुविधा है जिसपे हमारा और सबका, ठीक है, समान रूप से अधिकार है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों आगे मूव करेंगे, ठीक है। देखिए एक प्रश्न पूछ लेता है कि क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है दोस्तों, न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता इसका, ठीक है। ये क्या अगला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना है आपको, न्यायालय में परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। न्यायालय में इनका परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए हमने अभी मूल अधिकार पढ़े थे, तो मूल अधिकार में हमने ये पढ़ा था कि अगर जो किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय जा सकता है, और न्यायालय क्या करेगी, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करके उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। लेकिन इसके अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। चलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट और आता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत को कहाँ से शामिल किया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों आयरलैंड से, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड, ठीक है। प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन हाल में पूछा जाता है दोस्तों कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की जो संकल्पना है उसको किस देश से लिया गया है, उसको लिया गया है आयरलैंड से। चलिए तो अभी तक हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट पढ़े हैं और ये पाँचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं। चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अब आगे मूव करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इतना नोट डाउन करिए, फिर अब हम लोग अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। ये बेसिक सी जानकारी थी, अब हम लोग बात करेंगे कि जो आर्टिकल हम लोग देखे हैं कि 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो वो 36 से 51 के आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्न है, ठीक है। चलिए राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है दोस्तों, निम्न है। और अगर जो हम बात करें इसमें अनुच्छेद के बारे में, तो जो अनुच्छेद 38 कहता है, जैसा कि हमने आपको बताया है, अनुच्छेद 38 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 38 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 38 ये कहता है कि नागरिक को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिले, ठीक है। व्यक्ति को क्या मिले, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक सामाजिक
आर्थिक व राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक, ठीक है, न्याय, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को क्या क्या मिले दोस्तों, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्या मिले, न्याय मिले, ठीक है। यानी आपको पता ही होगा कि अब सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा कि सबके समाज में सभी इंसान क्या है, इक्वली रूप से बराबर है, आर्थिक धन का समान वितरण किया जाएगा और राजनीतिक आपको भी वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, आप लोग राजनीति में बहुत ही आराम से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 39 की, ठीक है, अनुच्छेद 39, इसमें क्या बात किया गया है दोस्तों, 39 का जो क है इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, यानी अगर जो किसी ऑफिस में दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम आपसे ये कहें कि सपोज दैट अगर जो राज्यपाल की बात करें, ठीक है, छोड़िए राज्यपाल को छोड़िए आप, अगर जो हम लोकसभा के सदस्यों की बात करें, ठीक है, तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है, अभी हम आगे आप लोगों को बताएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 545, ठीक है, जो चुन के जाते हैं वो कितने चुन के जाते हैं दोस्तों, चलिए हम आपको बताएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 545 मान लीजिए, अभी ये घटता बढ़ता रहेगा, अभी हम आपको बताएंगे अगले क्लास में, कि जो अनुच्छेद 39 का है वो ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यानी अगर जो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को समान वेतन दिया जाएगा, सभी सदस्य को समान वेतन दिया जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान वेतन, ठीक है। इसमें स्पेशली उन लोगों की बात की गई है दोस्तों जो कर्मचारी हैं, चाहे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, उनकी बात की गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों कि ख, ठीक है, 39 का जो ख है इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, ये है, ये क के अंतर्गत तो समान कार्य के लिए समान वेतन, सार्वजनिक वस्तुओं पे समान अधिकार, ठीक है, सार्वजनिक वस्तुओं पर समान अधिकार, ठीक है। जैसे क्या होता है कि पार्क जो होता है वो आपके लिए भी खुला है और किसी भी इंसान के लिए खुला है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो क्या है, सार्वजनिक वस्तुओं पे किसका है, समान अधिकार हम लोग को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 39 ग, ठीक है, 39 ग ये क्या है दोस्तों, 39 ग ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, 39 ग जो है वो ये कहता है कि धन का समान वितरण होगा, ठीक है, धन का समान वितरण। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने देख लिया है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है, अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक रूप से न्याय मिलेगा, अनुच्छेद 39 का क्या कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो वो आता है दोस्तों 39 क के अंतर्गत, सार्वजनिक वस्तुओं पे सबका समान सहअस्तित्व रहेगा और 39 ग है धन का समान वितरण होगा। चलिए इतना नोट डाउन करिए फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 40 की, ठीक है, अनुच्छेद 40 की बात हम करेंगे कि उसमें क्या कहा गया है,
आर्टिकल 40 में बात किया गया है दोस्तों ग्राम पंचायत की, ठीक है। आर्टिकल 40 में किसकी बात किया गया है, ग्राम पंचायत की, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, सबको पता होगा कि प्रत्येक गांव में क्या होगा, एक ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि ग्राम पंचायत जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है, वो है दोस्तों आर्टिकल 40। चलिए इतना कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों 41, ठीक है, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 41, ठीक है। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता, ठीक है, काम, शिक्षा व लोक सहायता, ठीक है, यानी आपको क्या है, काम करने की स्वतंत्रता है, शिक्षा भी आपको पाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, और लोक सहायता के लिए आप एलिजिबल हैं या आपको उसकी स्वतंत्रता दी जाती है। काम करने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी कोई भी काम कर सकते हैं अगर जो वो आपके क्राइटेरिया में आता है। शिक्षा, शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार है आपको, और लोक सहायता मामले में भी आपको छूट दी जाती है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, अब हम आगे मूव करेंगे। चलिए दोस्तों अब देखिए 43 इम्पॉर्टेंट नहीं है, सॉरी 42 इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब हम लोग 43 पढ़ेंगे, 43, ठीक है, 42 इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए दोस्तों पढ़ना वही है जो एग्जामिनेशन हॉल में आता है, ठीक है, 42 कभी आज तक पूछा नहीं है। तो 43 में क्या है, 43 में है दोस्तों कुटीर उद्योग के बारे में, ठीक है, कुटीर उद्योग, 43 में क्या है, कुटीर उद्योग, ठीक है। कुटीर उद्योग आपको पता ही होगा दोस्तों कि छोटे प्रकार के उद्योग होते हैं, अक्सर गांवों में चाहे शहरों में भी देखने को मिलता है कि कुटीर उद्योग के लिए सरकार आपको सहायता करेगी। अगर जो आप कोई कुटीर उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपको लोन दे सकती है या अन्य प्रकार से भी सरकार आपकी सहायता कर सकती है, ठीक है। तो पूछ लेता है कि आर्टिकल 43 में किस चीज़ का वर्णन है, तो वो है दोस्तों कुटीर उद्योग, ठीक है। चलिए बात करते हैं 44 की, अनुच्छेद 44 जो है वो दोस्तों वो क्या कहता है, वो कहता है दोस्तों समान सिविल संहिता, ठीक है, समान सिविल, ठीक है, क्या कहता है दोस्तों, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, आर्टिकल 40 पढ़ लिया, 41 पढ़ लिया, 43 पढ़ लिया, 44 पढ़ लिया। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो निम्न है, 40 में ग्राम पंचायत की बात करता है, 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता के मामले में की बात करता है, 43 में कुटीर उद्योग की बात करता है, और 44 में समान सिविल संहिता की बात है, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, अब हम लोग आगे मूव करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों जितना मैं करा रहा हूँ बस उतना कर लीजिए, इससे ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पूछने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 48 यानी अनुच्छेद 48 किस चीज़ की बात करता है दोस्तों, वो बात करता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक है। 48 किसकी बात करता है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन की बात करता है, ठीक है।
चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 की हम बात करेंगे। तो ये है दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक व राष्ट्रीय स्मारक के साथ साथ इसमें एक और बात कही गई है, ठीक है, वो कही है राष्ट्रीय स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है, वह राष्ट्रीय स्थान व वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक व राष्ट्रीय स्थान व वस्तुओं के संरक्षण की बात किया गया है, ठीक है। हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, अब हम लोग अनुच्छेद 48 में क्या पढ़े हैं, कृषि एवं पशुपालन, और 49 में क्या पढ़े हैं, राष्ट्रीय स्मारक व राष्ट्रीय स्थान व वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए, अब दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट आने वाला है अनुच्छेद, वो है अनुच्छेद 50, वो है दोस्तों कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दो अलग अलग इकाइयां हैं, ठीक है, जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका को के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है, न्यायपालिका क्या है, एक स्वतंत्र इकाई है, ठीक है। चलिए इतना हम लोग आगे कर लेते हैं, चलिए दोस्तों इतना नोट डाउन कर लीजिए, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों अगला अनुच्छेद, दोस्तों नोट डाउन करते जाइए और रिवीजन करते रहिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद अगर जो 51 की हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या करता है, 51 की बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, ठीक है, आपको पता ही है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे 350 क, ठीक है, ठीक है, अनुच्छेद 350 क, इसमें क्या है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, इतना हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, यही इम्पोर्टेंट पार्ट यही इसमें बनते हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्न है, इसमें 51 जो है वो आंतरिक शांति व सुरक्षा की बात करता है, ठीक है, और 350 का जो है बाद में जोड़ा गया है वो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही आपको शिक्षा लेनी है या देनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।